नमस्कार, मैं राजू कुमार झा। देश के स्कै के वीआईपी सीट पर आज महाराष्ट्र के पुणे जिले की बारामती लोकसभा सीट की बात करेंगे, जो राज्य में एक हाई प्रोफाइल सीट के रूप में भी देखा जाता है। यह सीट बीते 31 सालों से एनसीपी के कब्जे में है। फिलहाल शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले यहां से सांसद हैं। इस सीट पर पवार परिवार के प्रभुत्व या खासियत को इस बात से समझा जा सकता है कि यहां से शरद पवार 6 बार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले 3 बार और उनके भतीजे अजीत पवार 1 बार सांसद रहे हैं। साल 2019 के चुनाव में सुप्रिया के खिलाफ चुनावी मैदान में कुल 17 उम्मीदवार उतरे थे, जिनमें से 10 निर्दलीय थे। बीते चुनाव में सुप्रिया सुले के खिलाफ बीजेपी के कांचन राहुल कुल ने ताल ठोकी थी। वहीं वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से पादलकर नवनाथ और बहुजन मुक्ति पार्टी से संजय शिंदे उम्मीदवार थे, लेकिन सुप्रिया सुले के आगे कोई भी टिक नहीं पाया। हालांकि इस बार समीकरण पिछले चुनाव से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि शिवसेना एनसीपी दोनों में टूट हो गई है। चर्चा तो ये भी हो रही है कि सीट पर ननद भाभी की लड़ाई देखने को मिल सकती है। सुप्रिया सुले के सामने अजीत पवार अपनी पत्नी सुनीत्रा पवार को मैदान में उतार सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के लेकर कुछ ही समय बाकी है और फिर क्या कहता है इस सीट का समीकरण, यह आपको बताएंगे। लेकिन ये बताने से पहले आप सुनिए कि वहां के स्थानीय जानकारों का क्या कुछ कहना है। 1965 से लेकर अभी तक तो यह बारामती लोकसभा चुनाव क्षेत्र है वो शरद पवार का गढ़ माना जा रहा है, और इस बार पहली बार ऐसी चुनाव की परिस्थिति आ गई है कि पवार फैमिली में ही दरार पड़ गई है। अभी पवार फैमिली में ही 2 लोग चुनाव लड़ेंगे जो पिछले बार अपने आप का और एक दूसरे का प्रचार कर रहे थे। अभी आज परिस्थिति ऐसी है कि वो दोनों एक अपना आमने आमने सामने खड़े हो गए हैं, तो जाहिर है कि ये चुनाव अंडरकरंट बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। और जिस तरह से देखा जा रहा है तो एक ही पार्टी के लोग आमने सामने आ रहे हैं, एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, और जो एक विचारधारा लेकर जा रहे थे तो उनको ही अपने अपने कार्यकर्ताओं पर जो है कि आरोप प्रत्यारोप की जो फेरी है वो दिखनी पड़ रही है। अभी देखिए, ये तो बीजेपी की रणनीति या मानी जाती है या व्यूहरचना मानी जाती है कि उन्होंने जो कहा था कि ए फॉर अमेठी और बी फॉर बारामती। अमेठी ये गांधी परिवार का गढ़ था और वो कभी भी वो गढ़ हासिल नहीं किया जा सकता, इस तरह की चर्चा जो है वो हमने देखी है 2019 में जब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी का पराभव किया था। तो इसी तरह से बारामती में बीजेपी ने तैयारी की थी कि बी फॉर बारामती का एक परिणाम है वो लेकर चले। तो इसलिए निर्मला सीतारामन जी हो या प्रहलाद सिंह पटेल हो या बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो प्रदेशाध्यक्ष है बावनकुड़े, चंद्रशेखर जी बावनकुड़े, तो सब आ रहे थे यहाँ पे। लेकिन जैसे ही अजीत पवार महायुति में शामिल हुए उनके तो दौरे बंद हो गए, तो उन्होंने अब अजीत पवार के माध्यम से बारामती का जो गढ़ है वो हासिल करने की तैयारी की है। यहाँ के मौजूदा सांसद जो है सुप्रिया सुले, उनके कामकाज कैसा दिखाई दे रहा है आपको और क्या कामकाज से जनता खुश रहेगी? नहीं, सुनिए, एक बात है कि अगर कामकाज देखें तो संसद में जाने वाले संसद सदस्य उनको क्या करना चाहिए, तो संसद में सवाल पूछना चाहिए तो सवाल पूछ रही है। जितने भी 3 बार वो चुनाव जीत गई है, तो 3 बार यानी कि 15 साल से वो यहाँ की प्रतिनिधित्व कर रही है बारामती लोकसभा चुनाव क्षेत्र की, तो उनको संसद रत्न, संसद महारत्न ये पुरस्कार तो संसद ने ही दिया है, संसद में जो कमेटी है उन्होंने ही दिया है। तो अगर माना जाए तो उस तरह का काम तो अच्छा है, लेकिन जो फील्ड पे तो कितना काम कर रहे, तो पिछले साल तक तो राष्ट्रवादी कांग्रेस ही कर रही थी, यानी कि इंदापुर में देखा जाए, इस जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र है उसमें 6 तालुके आते हैं, तो इंदापुर में देखा जाए तो राष्ट्रवादी का एक गढ़ है, तो फिर बारामती में अजीत पवार थे, पुरंदर में संजय जगताप थे, भोर में जो MLA अभी सिटिंग MLA वो महाविकास आघाड़ी के संग्राम थोपटे थे, रही बात तो खड़कवासला की, वहाँ पर बीजेपी के भीमराव तापकीराव और दौंड में बीजेपी के राहुल कुल, लेकिन बीजेपी की ताकत दौंड में बराबर की है। तो इसका अंदाजा लेके तो पूरा का पूरा ये जो चुनाव क्षेत्र था वो राष्ट्रवादी का ही था। अब राष्ट्रवादी में दरार है और बीजेपी उसके साथ अजीत पवार जी के साथ है, तो अब देखा जाए तो एक अलग सी एक इलेक्शन की जो परिस्थिति है वो दिख रही है हमको।
मिट्टी का असर देखा जाए तो महाराष्ट्र की मिट्टी में अस्मिता की परंपरा और स्वाभिमान की परंपरा पिछले मलिकांबर के पास से कल परसों तक के शरद पवार जी के भाषण तक हम देखा जाए तो ये अस्मिता और परंपरा और स्वाभिमान उसका असर देखा जाता है। तो ये अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की रैली का भी असर हो जाएगा और बीजेपी के जो अनुकूल वोटर्स है उनको अगर नरेंद्र मोदी आ जाते हैं तो उनका भी असर देखा जाएगा। अभी बात यह है कि ये सहानुभूति की ये जो छड़ी है वो मतपेटी यानी कि बैलेट मशीन तक कौन ले जा सकता है अच्छी तरह से, एक बात। और दूसरी बात, जो विकास को लेकर अजित पवार जो बता रहे हैं कि मैं विकास के साथ हूँ, तो ये विकास की कितना विकास का कितना प्रभाव वोटरों पर मतदाताओं पर पड़ता है इसको ही देखना ये चुनाव के बारे में बहुत महत्वपूर्ण होगा। सुप्रिया सुले जी और सुनेत्रा पवार जी और ननंद भावजय के बीच में होगी तो ये लड़ाई बहुत ही पावरफुल होगी, क्योंकि इधर के पावरफुल नेता अजित पवार जो है इधर के पावरफुल लीडर है, उनका जो जनसंपर्क है इधर बहुत बड़ा है, उन्होंने जो डेवलपमेंट की है वो डेवलपमेंट की वजह से उनकी जो ताकत है इधर बहुत है। लेकिन क्या है कि इधर की डेवलपमेंट में MIDC या इधर की जो MIDC है, ये MIDC में बहुत एम्प्लॉयमेंट जो हो रही है उसका कारण है इधर की, इधर जो शरद पवार जी है राष्ट्रवादी के अध्यक्ष, उन्होंने जो इधर बारामती MIDC जो निर्माण की है वो उसकी वजह से इधर की डेवलपमेंट हुई है। और उससे आगे आप बोलेंगे तो अजित पवार जी ने जो इधर की आगे की डेवलपमेंट की है उनका श्रेय जरूर है, लेकिन जो मूल रूप है बारामती का, इधर का डेवलपमेंट का, उसके निर्माता शरद पवार जी है। शरद पवार जी की ताकत का फायदा सुप्रिया सुले जी को जरूर होगा। सुप्रिया सुले जी ने जो 2014 में महादेव जानकर जो अपोज में थे उनके, उस टाइम 70,000 वोट से वो पराभव हुआ, उनका बहुत कम वोट से पराभव हुआ। उसी दौरान सुप्रिया सुले जी ने इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में, जिस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उनका वोट उनकी ताकत कम हुई वोट की ताकत कम हुई उस निर्वाचन क्षेत्र में उन्होंने अधिक ध्यान दिया। तो उनको उनका पिछला जो इलेक्शन था 2019 का, वो दोनों 2019 में सुप्रिया सुले के अपोज में वो दौंड के जो MLA है राहुल कुल, उनके जो मिसेस है कांचन कुल ने वो उम्मीदवार लड़ाई की थी, उस लड़ाई में सुप्रिया सुले जी का विजय हुआ। महाराष्ट्र और देश की सियासत में शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। राजनीति की विसात पर उन्होंने कई लोगों को परास्त किया। साल 1984 में बारामती सीट से पहली बार NCP अध्यक्ष शरद पवार भारतीय कांग्रेस समाजवादी और पार्टी से सांसद बने थे। शरद पवार से पहले इस सीट पर कांग्रेस और एक बार भारतीय लोक दल का कब्जा रहा है। साल 2019 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो सुप्रिया सुले से टक्कर लेने उनके खिलाफ 17 उम्मीदवार मैदान में थे, 10 निर्दलीय उम्मीदवार उतरे। लेकिन अगर 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो परिणाम कुछ और ही निकला। परिणाम में NCP की तरफ से सुप्रिया सुले जीत गईं, 6,86,714 वोट से उन्हें जीत मिले थे और 52.63% वोट प्रतिशत रहा था। बीजेपी के कांचन राहुल कुल को 5,30,990 वोट मिले, 40.69% वोट प्रतिशत रहा। VBA के तरफ से पादलकर नवनाथ 44,134 वोट पा सके, जिन्हें 3.38% वोट प्रतिशत रहा। साल 2014 में मोदी की आंधी भी NCP के इस गढ़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकी थी। 2009 की परफॉर्मेंस को दोहराते हुए शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले यहां से सांसद बनी। सुप्रिया को बीजेपी समर्थक राष्ट्रीय समाज पक्ष RSPS पार्टी के महादेव जगन्नाथ जानकर ने कड़ी टक्कर दी थी। 2014 लोकसभा चुनाव के परिणाम को अगर देखें तो NCP की तरफ से सुप्रिया सुले को 5,21,562 वोट मिले थे, 48.88% वोट शेयर रहा था। RSPS की तरफ से महादेव जगन्नाथ को 4,51,843 वोट मिले थे, 42.35% वोट शेयर रहा था।
आम आदमी पार्टी की तरफ से सुरेश अब्बाजी खोपड़े मैदान में थे, जिन्हें 26,396 वोट मिले थे, 2.47% वोट प्रतिशत रहा था। बीएसपी की तरफ से कालूराम विनायक चौधरी मैदान में उतरे, जिन्हें 24,908 मिल सका, 2.33% वोट प्रतिशत रहा था। साल 1957 से ही बारामती लोकसभा सीट अस्तित्व में नहीं थी। इस लोकसभा सीट पर साल 1957 में पहला चुनाव हुआ था। इसके बाद 1957 से लेकर 1977 तक यह सीट कांग्रेस पार्टी के कब्जे में थी, और इसके बाद जब साल 1985 में शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो यह सीट खाली हो गई। तब साल 1985 के उपचुनाव में जनता पार्टी के संभाजी राव काकड़े यहां से सांसद बने थे, और फिर अगले चुनाव में 1989 में कांग्रेस पार्टी के शंकर राव पाटिल, और उसके बाद 1991 में शरद पवार के भतीजे अजित पवार सांसद बने। तब से लेकर आज तक इस सीट पर पवार परिवार का ही कब्जा रहा है। जातीय समीकरण को समझने से पहले बारामती लोकसभा सीट के जातीय समीकरण क्या कुछ कहता है, वहां की जनता क्या कहती है, ये भी जानना जरूरी है। पूरे देश का माहौल जो बदल रहा है, चुनाव का माहौल है, पर बारामती पर ज़्यादा नज़र टिकी हुई है, क्या आपको लगता है? बारामती में जो है, यहाँ पे तो जो किंग मेकर है ये पवार फैमिली है। जो पवार फैमिली तय करेगी वो वही सीट यहाँ से आने वाला है। यहाँ पे किसी का भी जादू चलने वाला नहीं है। जो पवार फैमिली बताएगी वही यहाँ पे हो जाएगा, जो भी सीट देगी वो हो जाएगा। पर पवार परिवार में दो स्प्लिट हुए हैं, पवार परिवार टूटा है, क्या समीकरण दिखाई दे रहे हैं यहाँ के? नहीं, पवार परिवार टूटा है ये ऐसे लगता है, पर लोगों के दिल में अभी भी पवार फैमिली के लिए पूरा प्रेम है, और अभी तक सुप्रिया सुले जी के विरोध में अभी तक कैंडिडेट तय नहीं हुआ। जब तय होगा तब समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। मोदी की गारंटी, इस वजह से मोदी जी ने अभी, और रामलला की वजह से वो सब हो गया है, इस वजह से अभी तो फिलहाल तो माहौल बीजेपी की तरफ ही है, पर आगे आगे क्या जब होगा क्या नहीं होगा ये अगले एक महीने में तय हो जाएगा ऐसा लग रहा है। क्या इंडिया गठबंधन का कोई भी फायदा होगा? राहुल गांधी भी रैली निकाल रहे हैं, उसका कुछ फायदा होगा? 100% होगा, क्योंकि वैसे पूरा वन साइड नहीं होगा इस साइड, इस बार ऐसा लग रहा है। लोगों के मन में क्या है, दस साल हुए इसलिए अभी कुछ नहीं बता सकते फिलहाल में। तो तीसरी बार मोदी पंतप्रधान होने जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में। आपको क्या लगता है? मोदी तो पंतप्रधान हो जाएगा, ऐसा माहौल तैयार हो गया है। बारामती में क्या हो सकता है? बारामती राष्ट्रवादी के सिवा कुछ नहीं होने वाला। राष्ट्रवादी कौन से राष्ट्रवादी? क्यों अजीत पवार भी बीजेपी के साथ जुड़े? नहीं, राष्ट्रवादी बोल रहा हूँ, वो नहीं बोल रहा हूँ। पवार साहब और दादा, ये अभी सब कौन किधर है क्या है वो अभी तय नहीं हुआ है, तब तक आप बोल नहीं सकते ना। किसका फायदा होगा इस चुनाव? पवार साहब का, सुप्रिया सुले प्रचंड बहुमत से चुन के आएंगे। क्यों लगता है आपको ऐसे? क्योंकि पूरे देश में बारामती पवार साहब से नाम से जानी जाती है, और पवार साहब की वजह से बारामती में जो विकास हुआ है, जो शुरुआत उसने MIDC लाई, ITI कॉलेज लाया, पॉलिटेक्निक कॉलेज लाया, जो भी विद्या प्रतिष्ठान है वो पवार साहब ने किया, रेलवे का नया रोगास्ता वो ब्रॉड के पवार साहब ने किया, जो गार्डन वगैरह सब वो सब पवार साहब ने किया है, इसलिए पवार साहब आए तो बारामती। डेवलपमेंट अजीत दादा ने भी किया ऐसी बता जा रहा, लेकिन स्टार्टअप तो ताकत तो उनको पवार साहब ने दी ना, पवार साहब के वजह से, पवार साहब ने उनको ताकत दे, पूरा अधिकार दिया है उनको, इसलिए वो खाली उनके मार्गदर्शन के नीचे उन्होंने काम किया है ना। पहले ये 9 महीने में तो नहीं ना हुआ, ये 25 साल का विकास है। ये पवार साहब के मार्गदर्शन से, पवार साहब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय नेता थे, कृषि मंत्री थे, संरक्षण मंत्री थे, 4 बार मुख्यमंत्री हुए, ये उन्हीं का विकास है ना। ये क्या 9 महीने में हुआ क्या विकास? तो यहाँ का जो 1970 का जो ज़माने के जो लोग है वो ताई के पीछे है और पवार साहब को मानते हैं, और बारामती का जो विकास है और अजीत दादा जो है वो पवार साहब की वजह से है, इसलिए बारामती है। तो सबको सब जानते हैं, और ये बारामती में जो रोजगार मेलावा हुआ उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से लोगों ने जल्लोष किया पवार साहब और ताई खड़ा रहने के बाद।
तो इससे जाहिर है कि विनिंग विन कौन होने वाला है। तो बारामती का जो मतदार है वो पवार साहब के पीछे है और हम सब पवार साहब के पीछे है। सुप्रिया ताई जो काम करती है वो उनको काम करने का मौका ही नहीं सर मिला। उन्होंने बोला कि उनको लगता था कि मेरा भाई देख रहा है तो कहा कि मैं उसमें इंटरफेयर करूं, और वो उनके लिए वो उनको मालूम नहीं था कि इतना बड़ा धोखा हो सकता है मेरे साथ। और ये धोखा होने की वजह से वो पूरा अभी घूम रहे हैं उनके पास, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी काम चालू कर दिया है। मतदार संघ में वो दौरे कर रही हैं और काफ़ी सारा पब्लिक का रिस्पॉन्स ताई के साथ है। तो ताई 1.5 लाख 1 लाख के विनिंग से जीतेगी, ये हमको विश्वास है। अब आप समझिए कि बारामती लोकसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण के बारे में 2011 जनगणना के अनुसार से 76.06% यहाँ की साक्षरता है। ग्रामीण वोटर की बात करें तो 16,17,810 ग्रामीण वोटर है, 76.7% इनकी आबादी है। और शहरी वोटर की आबादी देखें तो 23.3% है, 49,01,460 यहाँ पर उनके जो शहरी वोटर हैं उसके आंकड़े बताए जा रहे हैं। 2019 में कुल वोटर की अगर बात की जाए तो 21,09,270 वोटर की गिनती हुई थी। शहरी और ग्रामीण आबादी के अलावा जो वोटर हैं कुल उनकी 21,09,270 बताया गया था। हाल के सियासी घटनाक्रम को लेकर अगर बारामती क्षेत्र को समझे तो इन दिनों बारामती क्षेत्र में भी दलों की ओर से गुलमंदी तेज हो गई है। जातिगत समीकरण बनाने की कवायद तो तेज है। एनडीए के घटक दल चाहे शिवसेना से तोड़कर आए एकनाथ शिंदे हो या फिर एनसीपी तोड़कर आए अजीत पवार, अपने स्तर पर जनता को लुभाने में लगे हैं, अपनी अपने अस्तित्व बचाने में लगे हैं और अपनों के ही पड़ काटने में भी लगे हैं। लेकिन अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो सबसे ज्यादा 12% अनुसूचित जाति की आबादी है। इसके बाद 3.9% मुस्लिम आबादी है जो कि संसद तक नेताओं को चुनने और पहुंचाने में एक अहम भूमिका अहम रोल निभाती है। जाति और आबादी की अगर फीसदी की बात करें तो बौद्ध धर्म के 3.61% है, ईसाई धर्म के 1.43% आबादी, जैन धर्म के 1.36%, मुस्लिम धर्म के 3.9%, अनुसूचित जाति के 12% यहां पर आबादी बताई जाती है और अनुसूचित जनजाति की 2%, सिख समुदाय के 0.29% आबादी बताई जा रही है। बारामती लोकसभा सीट में 6 विधानसभा आती है, इनमें दौड़, इंदापुर, बारामती, पुरंदर, भोर, खड़ग, वासाला, ये जो विधानसभा क्षेत्र हैं ये 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें 2 सीट पर एनसीपी, 1-1 पर कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रीय समाज पक्ष के विधायक हैं। और उसके बाद अगर बात करें कि इस सीट पर कब किस पार्टी के सांसद बने हैं तो 1951 में सीट अस्तित्व में नहीं था, 1957 में इस पर चुनाव हुआ जिसमें केशव राव जेड़े कांग्रेस की तरफ से जीते थे, 1962 में गुलाब राव जेड़े कांग्रेस की तरफ से, 1967 में तुलसीदास यादव यहां से कांग्रेस की तरफ से जीते, 1971 में आर के खंडेलकर कांग्रेस की तरफ से जीते, 1977 में संभाजी राव काकड़े भारतीय लोकदल से जीते, 1980 में शंकर राव पाटिल कांग्रेस इंदिरा की तरफ से जीते और 1984 में शरद पवार भारतीय कांग्रेस समाजवादी की तरफ से उनकी जीत हुई थी। 1985 में उपचुनाव हुआ, संभाजी राव काकड़े जनता पार्टी से जीते, 1989 में शंकर राव पाटिल कांग्रेस से जीते, 1991 में अजीत पवार कांग्रेस से जीते और फिर 1991 में उपचुनाव हुआ, शरद पवार कांग्रेस की तरफ से जीत दर्ज किए। उसके बाद लगातार पवार परिवार का ही सीट पर कब्जा रहा, 1996 में शरद पवार कांग्रेस की तरफ से, 1998 में फिर शरद पवार कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उसके बाद शरद पवार ने अपनी पार्टी बना ली और फिर 1999 में शरद पवार ने जो पार्टी बनाई एनसीपी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो मैदान में उतरे थे। 2004 में शरद पवार एनसीपी की तरफ से जीते, सुप्रिया सुले 2009 से लगातार जीत रही हैं, 2014 और 2019 से सुप्रिया सुले सांसद हैं बारामती लोकसभा क्षेत्र की। अगर बात करें सुप्रिया सुले की तो महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को एक अहम हिस्सा माना जाता रहा है। शरद पवार के इस्तीफे वाले एपिसोड के बाद से कहा जा सकता है कि फिलहाल सुप्रिया सुले के कंधे पर पवार परिवार के राजनीति विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। सुप्रिया सुले ने माइक्रोबायोलॉजी से बीएससी की है और उनकी शादी साल 1991 में
सदानंद भालचंद्र सुले से हुई थी। शादी के बाद कई साल तक वह विदेश में रही और वहीं से नौकरी भी की, पर साल 2016 में वह पहली बार राज्यसभा सांसद बनी। उन्होंने साल 2019 से लोकसभा चुनाव के अल्पनामे में 140 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की थी। सुप्रिया सुले ने राज्य में भ्रूण हत्या के खिलाफ जबरदस्त कैंपेन चलाया था। उन्होंने साल 2012 में एनसीपी महिला विंग्स भी बनाई थी, जिसका मकसद युवा लड़कियों को राजनीतिक क्षेत्र के लिए तैयार करना था। इसके अलावा आईपीएल की पुणे टीम में पारिवारिक हिस्सेदारी की वजह से भी सुले चर्चा में रही थी। अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने नया नारा दिया है। ये नारा है ए फॉर अमेठी बी फॉर बारामती, यानी आने वाले चुनाव में देश से लेकर राजनीतिक पार्टियों की नजर उत्तर प्रदेश के अमेठी और महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट पर लगी हुई है। पवार परिवार की सॉलिड सीट यह मानी जाती है। बारामती लोकसभा सीट में इस बार चुनावी मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि खबर यह भी है कि बारामती लोकसभा सीट पर इस बार पार्टी के साथ साथ फैमिली फाइट भी देखने को मिल सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को हराने के लिए बारामती सीट पर कब्जा जमाने के लिए उनकी ही भाभी अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार चुनाव मैदान में उतरने वाली हैं। भाषणों में अजीत पवार और सुप्रिया सुले भी बिना नाम लिए हुए एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के हाथ से कांग्रेस भी गई और एनसीपी भी। अब एनसीपी बट गई है, एनसीपी अजीत पवार के हिस्से में गई है, शरद पवार के हिस्से अब पार्टी का नया नाम आया है एनसीपी शरद चंद पवार, और सिंबल है तुरहा, जिसे तुरही या तुरतुरही कहा जाता है। सुप्रिया सुले ने चुनाव चिन्ह मिलते ही अपने व्हाट्सएप पर सिंबल का स्टेटस लगाकर चुनावी युद्ध की घोषणा कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि घर की लड़ाई में किस पवार के हिस्से बारामती की सीट जाती है। आप देखते रहिए न्यूज़ पर।